नमस्कार दोस्तों, आज आईटी के सभी छात्रों को मैं इलेक्ट्रिशियन में किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम के समय जो क्वेश्चन आते हैं उनकी हम डिटेल बताने वाले हैं। जो ये पूरे नेमी के इनमें से 70% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और आपके सभी बच्चों से मैं ये बता रहा हूँ कि यह क्वेश्चन आप पढ़ते हुए याद नहीं होते, मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि इसको आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे और आप बिल्कुल बेझिझक इस चीज़ों को समझ जाओगे, याद हो जाएगा। और सुबह समय या शाम का एक एक ज़रूर इसको एक बार वीडियो देख ले पूरा, तो आगे ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। यहाँ है कि चिन्ह का नाम क्या है, या इस प्रकार के आपको चिन्ह आएगा, अलग अलग प्रकार के चिन्ह आ सकते हैं और हमें चिन्ह को चूज करना है। अब चेतावनी चिन्ह की बात करें तो वह चेतावनी चिन्ह तो कैसा होता है, उसका त्रिभुजाकार होता है, आवश्यक गोल होता है। निषेधात्मक भी चिन्ह इसका गोल होता है, और सूचनात्मक चिन्ह आपको मैंने पहले बताया था कि वह चिन्ह आपका गोल होगा नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैंने कहा उसका आकार आयताकार वे वर्गाकार होता है। तो ये जो आपको जो चिन्ह दिख रहा है ये आपका सूचनात्मक चिन्ह है, ये मैंने पहले पीछे वाले वीडियो में अच्छी तरह से बताया, नहीं देखा है तो आप भी वापिस एक बार वीडियो जरूर देख लें। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, अग्नि का समन क्या होता है, कि भाई अग्निशामक होता है उसका अग्निशमन क्या होता है। कि यहाँ पर लिखा पहला, अग्नि में ईंधन को मिलाना, क्या अग्निशामक होता है, नहीं। अग्नि से ईंधन को अलग करना, नहीं। जल का उपयोग करके तापमान कम करना, नहीं। और अग्नि को ऑक्सीजन आपूर्ति से अलग करना, भाई आग लग गई है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन आपूर्ति को कट कर देंगे तो वहाँ अपनी आग बुझ जाएगी। मैंने एक बात बोली थी, आग बुझाने के लिए अपने को एक चीज़ को अनुपस्थित कर दो, आग बुझ जाएगी। आपके पता है आप लोगों को कि आग जब लगती है तो तीन चीज़ें उपस्थित होती है, एक का नाम है ईंधन, ऊष्मा और O2। तीनों चीज़ें उपस्थित होगी तो वहाँ पर आग लगेगी। हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से भौतिक हानि है धूम्रपान, क्या धूम्रपान एक भौतिक हानि है, नहीं। फिर आपका कंपन, बिल्कुल कंपन है सर, नहीं है, रेडियो सक्रियता नहीं है, कंपन एक भौतिक हानि है, वाइब्रेशन होता है आपकी एक भौतिक हानि है, जब भूकंप आए वह क्या भौतिक हानि है, ठीक है। तीसरा क्लियर हो चुका है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते चौथे नंबर पर देखो, अग्नि रोधक को उपयोग करने का सही क्रम, निम्न में से जो अग्नि रोधक होता है उसका सही उपयोग कैसे करते हैं, आग बुझानी है उसमें हमें सही उपयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें किसी चीज़ को खींचना, फिर निशाना लगाना, फिर दबाना, फिर घुमाना। तो अपना इसमें देखो ये राइट हो जाएगा, कोई चीज़ है तो पहले हम खींचेंगे, फिर उस पर निशाना लगाएंगे, फिर उसको दबाएंगे, फिर हम उसको घुमाएंगे। तो इसका जो राइट होगा चौथे का वह आपका ए हो जाएगा। आपको ये मैंने पहले भी बता रखा है, वीडियो भी बता रखा वीडियो में, तो ये भी आप समझ गए होंगे चौथे क्वेश्चन के बारे में। आगे देखते हैं कि पांचवा सवाल है, एस जो 5S की संकल्प निम्न में से जो चरण स्टेडाइजेशन की अंकित करता है। आपको पहले मैंने बोला था जो आपके संकल्पना दे रखी है कि किसी चीज़ को छांटना, क्रम से रखना, उसको सरलीकरण करना और उसको उसकी क्वालिटी देखना, तो वहाँ पर इसमें एस पद्धति का एक इसका भी वीडियो दे रखा है, वह भी ज़रूर देखें। इसमें मैंने ये बोला कि ये स्टेडाइजेशन ये शरण जो चरण है वह आपका जो सरलीकरण का तो वह तीसरा है, और इसका जो चरण है आपका चौथा, यह आपका हो जाएगा चौथा। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, और ये आपको हो गया चौथा, इसका होगा चतुर्थ चरण, ठीक है। छठे सवाल पर आ जाओ, कौन से प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने, देखो मैं आपको पहले कह, फ्लैट नोज प्लेयर नहीं, हुक बना नहीं सकते। राउंड नोज प्लेयर में आप हुक बना सकते हो जिसमें
लॉन्ग नोज प्लेयर? नहीं, यहाँ पर आपका राउंड नोज प्लेयर से हमें हुक बना सकते हैं, जिसमें गोल हुक बना लिया और हमने तार को डाल लिया, ये राउंड नोज प्लेयर होता है। ठीक है, आगे देखो, पिंसर का उपयोग होता है जिसको आप बोलते हो जमुर, और पिसर का उपयोग होता है, देखो, फ्लेक्सिबल तारों को ट्विस्टिंग करना, नहीं छोटे व्यास के तारों को काटना, नहीं लकड़ी में से पिन या कील निकालना। वेरी, ये होगा आपका राइट, क्योंकि जो पिंसर होता है वह कील निकालने के लिए, कोई ख़राब हो जाती कील लकड़ी में ठोकी उसको बाहर निकालने के लिए काम लेते हैं, या नई कील लगानी तो यहाँ काम लेते हैं। इस जो सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम बताओ, ये जो चिन्ह है जो आपको क्या कर रहा है, आवश्यक चिन्ह, जो आवश्यक का मतलब ये हुआ कि ये आवश्यक चिन्ह गोलाकार होता। आप ये देख लो, इस पर कलर होगा, जैसे रेड कलर होगा, तो ये करना आवश्यक है, यानी यहाँ पर ये जैसे मना कर रहा है तो वहाँ पर आपको रुकना ज़रूरी है, तो ये आवश्यक जो चिन्ह है उसकी श्रेणी में आपका आता है, इसका राइट हो जाएगा आपका ए। इसका आपका राइट हो जाएगा ए। इसके बाद में हम आगे चलते हैं 9 नंबर सवाल पर, कि मूल श्रेणी में संकेत चिन्ह का के पक्षीय भाग का रंग, जैसे आपको संकेतक चिन्ह होता है, संकेतक मतलब सूचना देना, चेताने का जो चिन्ह होता है, उसकी पृष्ठभूमि का जो कलर होता है वह आपके हमेशा पीला होता है। मैंने ये भी बात पहले बोल रखी है, अच्छी तरह से आपको पता भी है। फिर हम आगे चलते हैं कि विद्युत उपकरण लगी हुई आग को देखो, विद्युत में आग जाकर नहीं करेंगे, गैस का तो नहीं करेंगे बेटा, हेलोन प्रकार के जो सिलेंडर लेंगे उसका प्रयोग करके हमें इसका प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा आग बुझ सके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये थे अपने 10 क्वेश्चन, और किस प्रकार से ये क्वेश्चन लगे आप ज़रूर मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके आगे हम बाकी वाले ज़्यादा डेली आपको 20-30 सवाल कराएंगे। ये एक बार आपसे परमिशन लेते हैं कि आप 10 सवाल को ज़रूर देखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आगे वाले भी क्वेश्चन चाहिए, PDF चाहिए, तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, इसी के साथ मैं अगली वाली क्लास में मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उन दोस्तों तक पहुँचें जो आपके साथी IT कर रहे हैं या IT करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन में, अगर किसी ट्रेड में IT करना चाहते हैं तो वह भी ज़रूर बताएं।